नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लिए हर खेत पानी योजना बनाई गई है। इसके तहत अगर कोई किसान लगभग 2 कनाल भूमि में पानी टैंक का निर्माण करवाता है तो उसे 70 से 85% तक सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा सरकार अगले 35 दिनों में किसानों के आवेदन पर 7,621 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करेगी। तो वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रथम चरण के शेष बचे कनेक्शन 15 जुलाई तक दिए जाएंगे। जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 1 जनवरी 2019 से पहले आवेदन किया था उन्हें चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खरीफ फसलों की MSP में 72 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने फर्टिलाइजर मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के तहत नई निवेश नीति 7 अक्टूबर 2014 के अपने संशोधन के साथ अब रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड पर भी लागू होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कदमों से देश में नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने अगले 3 साल में 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी जांच करवाने का ऐलान किया है ताकि हर खेत स्वस्थ हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमें प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि की जांच कर कार्ड बनवाना है ताकि किसान खाद के अनावश्यक इस्तेमाल से बच सकें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जल्द खराब होने वाली बागवानी उपज के लिए प्रदेश से दिल्ली और मुंबई जैसे बाजारों के लिए एयर लिफ्ट की सेवा शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण और बागवानी विभागों के प्रमुख सचिन नवीन कुमार चौधरी ने कश्मीर घाटी के विभिन्न विक्रेताओं को चेरी ले जाने वाली वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉइस ऑफ बसाई बाय कृषि जागरण 11 जून को शाम 6 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा, जिसमें जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO डॉक्टर अमित त्रिपाठी आर द पैथोजेंस द रियल कॉज ऑफ प्लांट डिजीज पर कृषि जागरण के एसोसिएट एडिटर विपिन सैनी से चर्चा करेंगे। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातें, समस्याओं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो 11 जून को कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव होगा, जिसमें वे किसान शामिल होंगे जो अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारियाँ और खेती से संबंधित समस्याएँ साथ ही अनुभव शेयर करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ऐसे में सामान्य मानसून से खरीफ की बुआई बढ़ने की उम्मीद है, तो वहीं बेहतर एक्सपोर्ट से धान की बुआई बढ़ने की भी संभावना है। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।